हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो उस टॉपिक का नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। गाइस, इस टॉपिक से ना केवल यूपीएससी में बल्कि इसके अलावा पीसीएस एग्जाम और अदर जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज, हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए गाइज, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में मेंशन है, तो गाइज पार्ट नंबर 16 है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को मेंशन किया गया है। तो गाइज, इसका सीधा मतलब ये होता है कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के साथ में ऑटोनोमस बॉडी है, यानी ये स्वतंत्र होकर के अपने जो कार्यकलाप हैं इलेक्शन के उनको करता है। गाइज, अगर मान लो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसके अलावा, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर पार्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तब इसके अंदर 22 पार्ट हुआ करते थे, 22 पार्ट हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में इसके अंदर 25 पार्ट्स हैं। तो गाइज, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में बन सकता है, दैट्स वाई कि मैंने आपको बता दिया। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या क्या प्रोविजन है। तो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 324 जो है वो क्या कहता है। तो गाइज, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी बेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। तो सीधा इसका मतलब ये होता है गाइज कि अगर इलेक्शन का सुपरिटेंडेंस करना है, उनका कंट्रोल करना है, उनको सुपरविजन करना है, तो उसके लिए एक स्पेशल एजेंसी होगी जिसे हम नाम दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन। गाइज, इलेक्शन कमीशन का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, तो गाइज अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन के फंक्शन की और वो भी सेंट्रल लेवल पे, तो गाइज सेंट्रल लेवल का जो इलेक्शन कमीशन होता है उसका काम होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव करवाना, इसके साथ ही प्रेसिडेंट और जिन्हें हम बोलते हैं वाइस प्रेसिडेंट उनका चुनाव करवाना, या इसके अलावा स्टेट जो असेंबलीज होते हैं यानी एमएलए आप बोलते हैं उनका चुनाव करवाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम होता है, फंक्शन होता है। इसके अलावा ये इसके लिए क्या तैयारियां करता है, तो इसके लिए इलेक्टोरल रोल्स को तैयार कराना, यानी कि कौन लोग हैं जिनका इलेक्टोरल रोल्स में या निर्वाचक नामावली बोलते हैं आप इसको, यानी कि वोटर लिस्ट में किसका नाम है किसका नहीं है, तो वो सारी तैयारियां करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। गाइज, एक वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बताना चाहता हूँ, काफ़ी एग्जामों में ये पूछा जाता है कि पंचायत लेवल के जो चुनाव होते हैं वो कौन हेल्ड करवाता है। तो गाइज, कई बारी वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है यानी सेंट्रल लेवल वाला, वो कभी भी पंचायत और जो लोकल लेवल के चुनाव होते हैं वो हेल्ड नहीं करवाता, ये जो काम होता है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। इसके बाद हम गाइज बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 325 के बारे में। गाइज, आर्टिकल 325 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू इंक्लूड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट एंड सेक्स। अगर गाइज हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 325 की, तो किसी भी कैंडिडेट को कास्ट के बिहाफ पे, रिलीजन के बिहाफ पे, रेस के बिहाफ पे या उसके जेंडर के बिहाफ पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, यानी कि उसका जो वोटिंग राइट है उसे नहीं छीन सकते, या फिर अगर कोई इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है यानी अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे या उसके जेंडर के बेस पे अगर वो इस तरह से अगर वोटिंग राइट चाहता है, तो वो प्रोविजन जो है इसकी मनाही है, इसको क्या माना गया है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मना किया गया है। यानी कि अगर हम बात करें इसके अलावा, तो जो इलेक्टोरल राइट्स की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, यानी कि अगर हम बात करें वोटर राइट की, वोटिंग राइट की बात करें हम लोग, तो वोटर राइट के बारे में पूछा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, किस तरह का राइट है। तो गाइज, काफ़ी जो कमीशन्स ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो जो वोटिंग राइट होता है या वोटर राइट बोलते हैं आप इसको, ये एक लीगल राइट होता है यानी फंडामेंटल राइट ये नहीं है। गाइज, इसके बाद हम बात करते हैं
नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की, दैट इज आर्टिकल 326, इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट टू बी द बेसिस ऑफ द एडल्ट सफरेजेस। गाइस कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्शंस होंगे यानी लेजिस्लेटिव के पास पावर होगी कि वो इस तरह के प्रोविजंस बनाएगी, तो जो वोट देने का राइट होगा उसके लिए जो आपके पास एज है वो डिसाइड की गई है, यानी कि 18 साल जो है, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है उसी को क्या है वोट देने का राइट होता है, अगर उसकी एज उससे कम है तो उसे वोटिंग राइट नहीं दिया जाता। गाइज इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट अगर बात करते हैं इलीगली वोटर लिस्ट में अपना नाम रजिस्टर करवा लेता है, या कोई बैंक करप्ट है यानी कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसका, या कोई फॉरेनर है लेकिन उसने चोरी छुपे हमारे यहाँ पे सिटीजनशिप लिए, तो ऐसे जो कैंडिडेट होते हैं उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किया जाता, उन्हें वोट देने से रोका जाता है। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, आर्टिकल 327 के बारे में। तो गाइस जो 327 है दैट इज पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर्स, यानी कि अगर बात करें गाइज हम लोग पार्लियामेंट क्या है, टाइम टू टाइम कुछ प्रोविजंस लेके आती है इलेक्शन से रिलेटेड, और ये प्रोविजंस किसी भी पार्ट के लिए हो सकते हैं, किसी स्टेट के लिए हो सकते हैं, किसी यूटी के लिए हो सकते हैं। तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 327 सिर्फ लेजिस्लेचर्स के बारे में बात करता है कि कोई लेजिस्लेचर उसमें अगर मान लो डेलिमिटेशन की बात है, सीट्स की बात है, अगर सीट्स को बढ़ाया जाना है, कम किया जाना है, तो इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजन करने की जो ताकत होती है, पावर होती है, वो पार्लियामेंट में होती है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 327 के अकॉर्डिंग। गाइस अगर हम अगले आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 328 की बात करते हैं, दैट इज पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर्स। अगर हम बात करें, अभी हमने पार्लियामेंट के बारे में बात करी थी आर्टिकल 327 में, आर्टिकल 328 लेजिस्लेचर को पावर देता है कि वो अपने स्टेट के अंदर यानी स्टेट के अंदर इस तरह के जो प्रोविजंस हैं इलेक्शंस को लेकर के, मेन प्रोविजंस क्या होंगे, वोटर लिस्ट तैयार करवाना, इलेक्ट्रल रोल्स जिसे बोलते हैं वो तैयार कराना, इसके अलावा ऐसे जो मतदाता हैं उनको पहचान करना, इस तरह के जो प्रोविजंस होते हैं, इस तरह के जो काम होते हैं या फंक्शंस होते हैं, वो जो पार्लियामेंट है आपके पास वो किसको सुपुर्द कर सकती है, स्टेट को कर सकती है। तो गाइस इसके बाद हम बात करते हैं वार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 329 वैसे व्यक्तियों को, अगर हम मान ले बात करते हैं कि कोई भी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई डिसीजंस लेता है इलेक्शन से रिलेटेड, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को चुना जाता है, या इसके अलावा डेलिमिटेशन की बात करें हम लोग, परमिशन जिसे बोलते हैं परशिमन, यानी कि अगर हम बात करते हैं आपके पास में अगर जो चुनावी क्षेत्र हैं या कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनका जो एरिया है अगर वो बढ़ाया जाता है, तो चुनाव से रिलेटेड, डेलिमिटेशन से रिलेटेड यानी जिसे हम परशिमन बोलते हैं, तो ऐसे जो मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसका जो पावर होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर होती है। तो ऐसे मैटर्स में कोई भी कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो डिसीजंस होते हैं उन पे कोई भी क्वेश्चन उठा नहीं सकता, कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता। गाइस इसके बाद बात करते हैं हम लोग अदर स्पेशल पॉइंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आया। तो गाइस 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू होता है, और उसी दिन से सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है आपका यह हमारे एग्जिस्टेंस में आ गया, बन गया था। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। तो गाइज इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो टाइम टू टाइम बदलते रहे हैं, पहले एक मेंबर हुआ करता था, फिर उसके बाद उसमें दो मेंबर और जुड़ गए, लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो चेयरमैन है यानी कि चीफ इलेक्टोरल जो ऑफिसर होते हैं इलेक्शन कमीशन, उनको मिला करके 3 कैंडिडेट होते हैं, 2 उनके अंदर जिन्हें हम बोलते हैं आपके पास में, एक उनमें से IRS होगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, और डिपार्टमेंट के बारे में उन्हें विशेष जानकारी होगी रेवेन्यू के बारे में, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में उन्हें विशेष जानकारी होगी। तो ऐसे 3 कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन के अंदर अभी हैं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन को मिला करके। गाइस इसके हम बात करते हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, यानी इलेक्शन कमिश्नर
और इलेक्शन कमीशन तीनों ही जो कैंडिडेट होते हैं उनको अपॉइंट करने का जो काम होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। गाइस इसके बाद बात करते हैं हम लोग उनके रिमूवल की, यानी कि चीफ जो इलेक्टोरल ऑफिसर होता है जिसे हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं, उसको रिमूव करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, प्रूवन मिसबिहेवियर होना चाहिए, इनकैपेसिटी होनी चाहिए यानी काम करने में अक्षमता या असमर्थता होनी चाहिए, और ये जो डिसाइड करने का काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और सुप्रीम कोर्ट ये जांच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसके बिहाफ पे अगर हम बात करें इसके इलेक्शन कमिश्नर की तो उनको उनके डेजिग्नेशन से उनके पद से हटाया जाएगा। क्या जिससे पहले मैं एक प्रोसीजर होता है, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड्स हैं लाइक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस, अगर हम बात करें सीएजी या अगर यूपीएससी के चेयरमैन, सेम लाइक जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उनको भी हम लोग पार्लियामेंट में एक प्रोसीजर होता है जिसे हम लोग कई बार इम्पीचमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो प्रोविजन है आपके पास में 2/3 मेजोरिटी से जो प्रपोजल है वो दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको हटा सकते हैं। रही बात अदर जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, बाकी जो दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको अगर हम हटाने की बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड करेंगे, तभी उन दो जो कमिश्नर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी जो डेजिग्नेशन से हटा सकते हैं। गाइज इसके बाद हम बात करते हैं उनकी सैलरी के बारे में। तो गाइज चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं उनको जो सैलरी मिलती है वो 2.5 लाख पर मंथ मिलती है। तो गाइज इस तरह से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूरी तरह से हमने जानकारी दी। आई होप ये आपके काम की होगी, आपके ये जो है आगे जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें काम आएगी। गाइज मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर ये वीडियो आपके काम का है तो आप इसे ज़रूर देखें, बार बार देखें। गाइज अगर ये वीडियो आपके काम का नहीं भी है तो भी आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, हो सकता है ये वीडियो उनके काम का हो, आप इसे लाइक कर सकते हैं, सो दैट कि इससे क्या होता है सर हमारा थोड़ा इंकरेजमेंट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको इस तक पहुँचाएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।